मौसम बदला तो शहरियों के खाने पीने की चीजें भी बदल गई। गर्मी में इजाफा हुआ तो कसूर के शहरियों ने सड़क किनारे लगे बादामों से तैयार सरदाई के स्टालों का रुख कर लिया, जहां पर बादामों से बनी हुई सरदाई पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद देखते हैं शफीक अरशद की ये रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कसूर ने भी सूरज ने भी आग बरसाना शुरू कर दी। यही वजह है कि कसूर के शहरी गर्मी से निडाल होकर ठंडे मशरूबात में ज्यादातर बादामों की सरदाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। नींद और सुकून के मुतलाशी भी इसी सरदाई को पीकर दुनिया की परवाह भूल जाते हैं। मैं लाहौर से कसूर आ रहा हूँ तो रास्ते में मैंने ये शरबत की शॉप देखी, यहाँ से मैंने बादामों का शरबत पिया, मुझे बहुत मजा आया। और सबसे बात यह है, अच्छी बात यह है कि उन्होंने साफ सुथरा माहौल बनाया है और खूबसूरत लोकेशन बनाई हुई है और बादामों का खाली शरबत बना के पिलाया। गुंडे डंडे को मशीनी शक्ल देकर अब नए अंदाज में रगड़ा दिया जाता है। बादामों की सरदाई में बादाम तो पहला नुस्खा है, साथ साथ इसमें चारों मगज, जामे शीरी, काली मिर्च, इलायची, सौंफ, चीनी और बर्फ डालकर इसकी तासीर को इंतहाई ठंडा कर दिया जाता है, ताकि इसे पीने के बाद कुछ घंटों तक गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। इजामी पाने, नाले काली मिर्ची पाने, चारे मगज पाने, गुलाब के फूल पाने, इलायची पाने और इसमें दूध में मिक्स करते हैं। गर्मियों में दीगर इलाके से आने वाले शहरी कसूरी फालिदों को बड़ी सौगात समझकर पीते हैं